हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है रंगोली रसोई में। आज मैं बनाने जा रही हूँ सहजन और आलू की सुखौते की सब्जी, जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है और बनाने में बिल्कुल आसान है। तो क्या क्या मैंने सामग्री ली है। सहजन का सुखौता लिया है। इसको आप जब सहजन का सीजन हो आप उस समय इसको इस तरह से कट करके आप सुखा सकते हैं। तो ये मैंने सुखा के रखा हुआ था, तो इसको मैंने रात भर पानी में डाल के भिगो के रखा है। तो देखिए ये बिल्कुल अच्छी तरह से फूल चुका है। और ये आलू का है, आलू का सुखौता है। इसको भी मैंने अच्छी तरह से रात भर भिगो के रखा था, तो ये भी फूल चुका है अच्छी तरह से। और ये मैंने मसाला लिया है। एक छोटी चम्मच मैंने हल्दी पाउडर ली है और एक छोटी चम्मच मैंने धनिया पाउडर ली है। दो छोटी चम्मच मैंने सरसों लिया है, खड़ा सरसों है। और मैंने करीब 7 से 8 लहसुन की कली ली है। करीब 10 मैंने सूखी लाल मिर्च ली है और आधी छोटी चम्मच मैंने काली मिर्च ली है और आधी छोटी चम्मच में खड़ा जीरा लिया है। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। देखिए मैंने एक पैन में सहजन को ले लिया है और अब हम इसको इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से हम बॉयल कर लेंगे। थोड़ा सा बॉयल करने से होता है कि और थोड़ा सा अच्छी तरह से फूल जाता है। तो चलिए इसको हम बॉयल कर लेते हैं। देखिए मैंने दूसरी तरफ सहजन को उबालने के लिए चढ़ा दिया है और अब हम अगले प्रोसेस में चलते हैं। तो कढ़ाई को हम गर्म होने के लिए रख देंगे। देखिए कढ़ाई बिल्कुल गर्म हो चुका है। इसमें अब तेल डालेंगे और थोड़ा सा खड़ा जीरा इसको हम चटकने देंगे। देखिए जीरा चटक चुका है और इसमें ये आलू का सुखौता है, इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको हमें एकदम अच्छी तरह से भूनना है और इसको हल्का ब्राउन होने तक भूनना है। देखिए हल्का ब्राउन हो चुका है, तो इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। जितना आलू है इसी के अनुसार आप नमक डालें। तो देखिए इसको और हम 1 मिनट के लिए भून लेंगे। देखिए 1 मिनट हो चुका है, ब्राउन भी हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे। देखिए निकाल लिया मैंने और इसमें फिर से सरसों का ऑयल डालेंगे और खड़ा जीरा, इस जीरे को हम चटकने देंगे अच्छी तरह से। और देखिए मैंने सहजन को अच्छी तरह से बॉईल करके निकाल लिया है। जीरा बिल्कुल चटक चुका है और इसमें हम ये सहजन के उबाले हुए सहजन को इसमें हम ऐड कर देंगे। इसको भी अच्छी तरह से भून लेना है और ब्राउन होने तक भूनना है। देखिए हल्का ब्राउन हो चुका है, तो इसमें भी हम स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से भूनेंगे और 2 मिनट के लिए इसको हम अच्छी तरह से फिर से भून लेंगे। देखिए 2 मिनट हो चुका है, इसको अब निकाल लेंगे। देखिए मैंने निकाल लिया और फिर से अब हम इसमें ऑयल डालेंगे क्योंकि अब हमें मसाले भूनने हैं। ये देखिए मैंने फोरन लिया है, थोड़ी सी मैंने जीरा, खड़ा जीरा लिया है और थोड़ी सी मैंने सरसों ली है, काला सरसों, इसको इसमें हम ऐड कर देंगे। और 2 मैंने सूखी लाल मिर्च ली है, इसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे और सभी को चटकने देते हैं। फोरन बिल्कुल चटक चुका है और अब हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। और देखिए मैंने सभी में नमक डाला था उसके अनुसार, स्वाद अनुसार, तो इस मसाले में मैं इसमें इसी के अनुसार नमक ऐड करूंगी और इसको भी अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे।
और इसको हम हल्का सुनहरा रंग आने तक भूनेंगे। देखिए ब्राउन हो चुका है और इसमें जो मैंने सभी को भुना हुआ था इसको ऐड कर देंगे। इन सभी को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। देखिए मैंने सभी को मिक्स कर दिया है और इसमें हम पानी अब ऐड करेंगे। देखिए मैंने पानी ऐड कर दिया है और इसको हम ढक के 15 से 20 मिनट के लिए पका लेंगे। देखिए 15 से 20 मिनट हो चुका है और सब्जी बनके बिल्कुल रेडी है। तो अब गैस को हम ऑफ कर देंगे। अगर ये आलू और सहजन की सुखौती की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बगल में बेल आइकन की घंटी है उसको दबाना ना भूलें ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।